नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। इसी कड़ी में आज हम कुलधरा गाँव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गाँव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गाँव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहां पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालतों में पड़े यहां के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हैं, जिसमें इस सुंदर से गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गाँव आज जिस हालात में है वह पहले कभी ऐसा नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते वक्त लोगों ने ये श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गाँव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी गांव वालों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली में के निवासी थे। वो सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहां पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां भी हुआ करती थी। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ के रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गाँव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गाँव वालों के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि वो इस गाँव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी कहानी की माने तो गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गाँव को छोड़ा था। वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जल स्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।